समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में सपा उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीट जीतेगी। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और केवल 5 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि बसपा ने 10 सीट पर जीत हासिल की थी। शिवपाल सिंह यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा के आगामी चुनाव में वाराणसी सीट पर इंडिया का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। उन्होंने राम मंदिर में दर्शन करने के सवाल पर कहा कि पहले मंदिर निर्माण पूरा हो जाए तो फिर वह जरूर दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि शिवपाल ने पिछले दिनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा था कि अब राजभर पर से उनके समुदाय का ही भरोसा खत्म हो गया है। सपा नेता ने कहा, वह किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। आप सबने सुना ही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने क्या बोला था। सुभाषपा ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सपा के साथ गठबंधन कर लड़ा था। बुधवार को बलिया के फेफना क्षेत्र में शिवपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अदालत, संविधान, लोकतंत्र को नहीं मानते, न्यायालय के फैसले का इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र और संविधान विरोधी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी पर दिया गया बयान पूरी तरह से न्यायालय की अवमानना है। शिवपाल ने उनके आजमगढ़ से लोकसभा का आगामी चुनाव लड़ने को लेकर पूछे जाने पर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वह उन्हें स्वीकार होगा। उन्होंने माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के सपा में शामिल होने को लेकर पूछे जाने पर कहा कि अब्बास अंसारी अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, वह जब जेल से निकलेंगे तो बातचीत होगी। दल का राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बात करना चाहेगा तो सपा में शामिल करने पर बातचीत होगी।